हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिड यू नोटिस सीरीज में डिस्कस करेंगे 23 जून 2018 के द हिंदू न्यूज़पेपर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से हमें नोट्स बनाने हैं। तो चलते हैं पेज नंबर वन की तरफ। पेज नंबर वन है ईडी सीक्स से, यहाँ से एक न्यूज़ शुरू हो रही है ईडी सीक्स से। तो ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या चीज़ है, इसका मैंडेट क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन 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 इसके मेंबर्स हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं इसकी तरफ। इसी में आपको क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है, जिसके इसको इन्फोर्स करने में ईडी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मैंने आपको बता दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ना ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा और गूगल करके देख लेना तो आपको पता लग जाएगा। फिर फ्यूजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, फ्यूजिटिव क्या होता है, फ्यूजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जिन स्टूडेंट्स का लॉ ऑप्शनल है उनको भी इंटरनेशनल लॉ में पता होना चाहिए कि फ्यूजिटिव क्या होता है, ठीक है। फिर आपको मैं ये बता दूं कि ये सारी न्यूज़ जो है हमारे जीएस पेपर 3 का पार्ट फॉर्म करती है, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब चलते हैं सीधा पेज नंबर 5 की तरफ। आजकल दो हिंदू में एडवर्टीज़मेंट बहुत आ रही हैं, तो वो पेजेस हमें नहीं देखने हैं, हमें जो न्यूज़ वाले पेजेस हैं वो देखने हैं। तो उसमें सीधा पेज नंबर 5 पे आते हैं। अब ये एक न्यूज़ शुरू हो रही है ऑफिशियल सॉन्ग से। तो ये ऑफिशियल सॉन्ग जो है ये केरला, ये मतलब प्री स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, और जीएस पेपर 3 से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो केरला ने अपना ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो बनाने की कोशिश करी है। ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा वाला होगा, वो होगा वंदना गानम। वंदना गानम ये एक सेक्युलर प्रेयर है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और सर्च कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपना ऑफिशियल फ्लैग झंडा जो है वो अभी रिसेंटली बनाया है, ठीक है। तो अब मैं ये बता दूं कि ये ऑफिशियल सॉन्ग वाली न्यूज़ ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 6, एनआरसी डेडलाइन हर्डल तक जो ये है। तो एनआरसी क्या होता है, एनआरसी होता है नेशनल रजिस्टर ऑन सिटीजन्स। तो नेशनल रजिस्टर ऑन सिटीजन्स जो है ये क्या चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस इज़ रिलेटेड टू जीएस पेपर 3। अब चलते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। पेज नंबर 7 है स्टेट्स क्लेम ऑन पेपर से, ये एक न्यूज़ शुरू हो रही है। ये पता क्या, इसमें ये बिल्कुल मेन स्पेसिफिक है न्यूज़, ठीक है। और इसमें क्या है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या हैं, ये प्री में भी पूछ सकते हैं 2016 के। ये जो हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये क्या हैं, आजकल प्लास्टिक का बहुत हॉट टॉपिक है, तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये जीएस पेपर 2 से भी रिलेटेड है और जीएस पेपर 3 से तो रिलेटेड है ही है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते पेज नंबर 8 पे। ये दोनों के दोनों एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज, ठीक है। अब पेज नंबर 9 पे आते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, एट द से शुरू हो रहा है, एक ही है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, वो आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद आपको सर्च करना है गूगल में कि यूगर इशू क्या है, यूगर्स कौन है, ठीक है, इन पे चाइना कैसे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रहा है, ठीक है। और सिल्क रोड जो है, सिल्क रोड के बारे में भी आपको सर्च करना है कि एंशियंट टाइम्स में क्या था। आजकल क्या है कि आजकल सबको मालूम है कि बेल्ट एंड सिल्क रोड क्या है, ठीक है, मैरीटाइम सिल्क रोड क्या है। अगर आपको नहीं पता तो इनके बारे में भी सर्च कीजिए, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है चाइना का, तो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड, सिल्क रोड एंशियंट टाइम्स में क्या थी, ठीक है, और मैरीटाइम सिल्क रोड, ये तीनों आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि जीएस पेपर टू एंड थ्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन एसए में भी आ सकता है। ये एसए में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब पेज नंबर 11 पे चलते हैं सीधा। तो पेज नंबर 11 पे एक न्यूज़ है, सेशेल्स से शुरू हो रही है, ठीक है। आपको पहले सेशेल्स की लोकेशन पता होना चाहिए, प्री के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेशेल्स की लोकेशन। और फिर नेवल बेस इशू जो है ना इंडिया सेशेल्स का, तो इस बारे में या तो आप वीडियोस देख सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं।
वीडियोस मतलब किसी और किसी भी चैनल की, राज्यसभा की भी शायद, RSTV की भी है इस पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप चेक कर लेना, कोई ऑफिशियल और कोई ऑथेंटिक सोर्स वाली वीडियो देखना है, अदरवाइज आप जो गूगल पे ऑथेंटिक साइट्स पे सर्च कर सकते हो कि नेवल बेस इशू क्या है, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू की अगर साइट से आपको कोई ऐसा अच्छा आर्टिकल मिले तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेवल बेस इशू जो है वो सेशेल्स का इंडिया से क्या इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये GS पेपर 2 से रिलेटेड है और पेपर 3 से भी रिलेटेड है। पेपर 2 से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से, ठीक है, और पेपर 3 से क्यों, क्योंकि ये सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है, और एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि सेशेल्स एक स्मॉल आइलैंड टाइप है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो सी लेवल जैसे राइज करेगा तो उसका भी डूबने का जो है चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।